हेलो स्टूडेंट्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का इस समय क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक स्पेशल क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इफ 1 MSD इक्वल टू 0.5 mm एंड 20 VSD इक्वल टू 5 MSD। ठीक है, तो देखो इसमें लीस्ट काउंट इक्वल टू, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है कि लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, बट ये हमेशा यूज नहीं होता है। एक्चुअल में हमें ये देखना होगा ना कि वर्नियर कैलिपर्स मिनिमम कितना रीडिंग कर पा रहा है, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर्स। तो अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक स्केल सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये लेट्स दिस इज द मेन स्केल। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्केल सेलेक्ट किया, ये वर्नियर स्केल। ठीक है, तो अब वर्नियर स्केल को यहाँ पड़ा हुआ, अब वर्नियर स्केल को आप इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, मिनिमम मेजरमेंट कितना है वो क्या कहलाएगा इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, सपोज करो यहाँ पे लेट्स दिस इज जीरो मार्क, मान लिया ये जीरो मार्क मतलब किसी से मैच कर रहा है। अब मेन स्केल का डिवीजन यहाँ पे ये है, ये है। अब वर्नियर स्केल के डिवीजन ऐसे हैं, इस तरीके से ऐसे है। ये ऐसा डिवीजन है वर्नियर स्केल का। तो जो लीस्ट काउंट होगा ना वो इसके और इसके बीच की दूरी होगी, इसके इसके बीच की दूरी होगी। तो लीस्ट काउंट क्या होगा ना कि अब इस स्केल को आप बढ़ाओ, इस स्केल को आप आगे पर शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करो, तो मिनिमम कितना मेजरमेंट करेगा, चाहे इस मेन स्केल के इस डिवीजन और इसके बीच का हो या इसके और इसके बीच का हो, जहां पे मिनिमम गैप आएगा ना वही लीस्ट काउंट बताएगा। इधर तुम इधर शिफ्ट करो या तुम इधर शिफ्ट करो। ठीक है, तो वर्नियर स्केल को चाहे तुम राइट शिफ्ट करो या लेफ्ट शिफ्ट करो, मेन स्केल का जो मार्क है उसके और वर्नियर स्केल के मार्क के बीच का मिनिमम गैप कितना है, दिस इज द लीस्ट काउंट। वो मिनिमम कहीं भी आ सकता है, वो मिनिमम गैप यहाँ पे भी आ सकता है, वो मिनिमम गैप यहाँ पे भी हो सकता है, वो गैप यहाँ पे भी हो सकता है, वो आगे वाला से हो सकता है और पीछे वाला से हो सकता है। सपोज कर मिनिमम गैप यहाँ पे आ रहा है, ये मिनिमम गैप है, इसके इसके बीच का गैप मिनिमम है, ये 0.1 mm है लेट्स। ठीक है, तो और ये गैप कितना आएगा, तो 0.9 mm बनेगा, 0.9 mm, तो लीस्ट काउंट 0.1 हो चलेगा। तो ये आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा कि इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मिनिमम गैप कहाँ कितना आ रहा है, क्योंकि उतना ही गैप को तो आप स्लाइड करा पाओगे चाहे इधर चाहे इधर। तो जब स्लाइड कराओगे मतलब आप वर्नियर स्केल को मूव करा पा रहे हो, तो वर्नियर स्केल को मूव कराओगे इसको, इसको ऐसे मूव कराओ, ऐसे चाहे ऐसे मूव कराओ ऐसे। तो अगर यहां पे आप फिर ऐसे मूव करा दिए, तो यहां पे मूव करा दिए, तो इतना आगे बढ़ गया ना, तो यही लिस्ट काउंट पड़ पाएगा ना, यही तो मिनिमम मेजरमेंट कर पाएगा। तो आपको देखना ये होगा कि बेसिकली मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ मिनिमम गैप कितना आ रहा है, इसका एक खाने का गैप और इसके एक एक मार्क के बीच का गैप कितना आ रहा है, वो देखो मैं चेक कर रहा हूँ एक एक करके देखना है। वैसे लिस्ट काउंट का और इन तरह के क्वेश्चन में लिस्ट काउंट का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दिस इज 1 MSD माइनस XVSD का मॉड। अब ये मिनिमम वैल्यू फॉर द ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की अलग अलग वैल्यू सेलेक्ट करो, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी करके सेलेक्ट करो इसकी वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, वही लिस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट करते हैं 20 VSD 5 MSD, तो 1 VSD किसके बराबर होगा देखना, तो 5 upon 20 MSD के बराबर है। 20 VSD 5 MSD, 1 VSD 5 upon 20 MSD, दिस मीन्स ये बनेगा 0.25 MSD बन गया, मतलब 1 VSD 0.25 MSD के बराबर है, समझ रहे हो। तो अब हम गैप चेक करेंगे, अब एक अब लिस्ट काउंट करना है ना 1 MSD माइनस 1 VSD जैसा करके, तो चलो 1 MSD के साथ इसका गैप देखते हैं। जब मैंने 1 VSD सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग यहां से करते हैं, जब मैंने 1 VSD सेलेक्ट किया 0.25 MSD,
तो 1 MSD के साथ इसका गैप क्या आएगा, 1 मार्क यहाँ पे मान लो, 0 मार्क यहाँ पे है, ये 1 मार्क है, तो 0.25 मार्क इधर कहीं होगा, 0.25 मार्क इधर कहीं होगा। फिर इसका 2 BSD कहाँ होगा बताओ, तो 0.5 पे होगा एग्जैक्ट बीच में। फिर उसका अगला मार्क कहाँ पे होगा, तो 0.75 पे होगा ऐसे। फिर अगला मार्क कहाँ पे होगा इसका, फोर्थ मार्क कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। देखो तो 1 BSD किसके बराबर है, 5/20, तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, सही तो है। तो 1 को ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। और जो पांचवा आएगा एग्जैक्ट इसी पे कौन साइड होगा, मतलब जो 0 है वो यहाँ कौन साइड हो रहा है, 0 0 पे कौन साइड हो रहा है, फिर 1 2 3 एंड 4th, फिर 1 पे कौन साइड हो जाएगा, 1 पे। तो मिनिमम गैप क्या आएगा, मिनिमम गैप देखो तो यही समझ में आएगा। दिस इज द मिनिमम गैप, ये मिनिमम गैप है, ये गैप यहाँ भी मिनिमम मिलेगा, मिनिमम गैप ये। लिस्ट काउंट क्या बनना चाहिए, यही बनना चाहिए लिस्ट काउंट ये वाला, क्योंकि उसको स्लाइटली शिफ्ट कर दो, स्लाइटली शिफ्ट कर दो। तो ये गैप कितना है बता सकते हो, ये 0.25 है ना, और ये 0 है, यही गैप है, ये गैप है यहाँ पे। तो इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये वाला इसके पास आ जाएगा। तो लिस्ट काउंट इज नथिंग बट 0.25 MSD के ही बराबर जाएगा। और 1 MSD किसके बराबर है, 0.5 के, तो 0.25 × 0.5, तो वैल्यू इज 125, 0.125 mm। द लीस्ट काउंट ऑफ दिस बाइनरी स्केल इज 0.125, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा कुछ भी करके हमें मिनिमम गैप निकालना, मिनिमम गैप। अच्छा ये तो मैंने इसे ड्रॉ करके निकाल लिया, इसके अलावा भी इन जनरल कैसे बताया जाता है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ आप लिखते हैं, देखो यहाँ पे शुरू करेंगे 1 BSD से, फिर 2 BSD से, फिर 3 BSD से। 1 BSD किसके बराबर है, 0.25 MSD के बराबर है। तो जीरो, देखो ये 1 BSD है ना, तो 1 के जस्ट पहले MSD 0 बनेगा और 1 MSD 1 बनेगा। 1 BSD 1 के पहले एक 0 और फिर इधर 1 MSD आएगा ना। तो 0 के साथ गैप क्या आएगा, 0.25 MSD, और 1 के साथ गैप क्या आएगा, 0.75। फिर हम 2 BSD पे जाएंगे, 2 BSD, 2 BSD वाला कितना बनेगा, 0.5 MSD बनेगा। अब 0.5 है, इसके आगे क्या है, 0 है, और इधर क्या है, 1। तो गैप चेक करेंगे तो 0.5 मिलेगा 0 के साथ गैप, और इधर 1 के साथ 0.5 का गैप क्या आएगा, 0.5। फिर 3 BSD चेक करोगे, 3 BSD किसके बराबर है, 0.75 मल्टीप्लाई करोगे ना, 0.75, तो फिर 0.75 है, तो 0 के साथ गैप देखो, 0.75 का पहले 0 होगा ना, अब बाद में 1 होगा, तो पहले और बाद वाले से डिफरेंस चेक किया था, तो 0 के साथ गैप क्या आएगा, 0.75 आएगा। अब 1 के साथ गैप क्या आएगा, 0.25 आएगा। अब 4 BSD चेक करेंगे, 4 BSD 1 आ गया ना, 1 MSD आ गया, अब कौन साइड हो गया ना 1 के साथ 1 का, तो अब इसे चेक करने की जरूरत नहीं है कौन साइड कर गया। तो अब इनमें हमें देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 0.25 है, यहाँ भी 0.25, यही तो यहाँ पर लिखा है, ये 0.25, ये 0.25, लिस्ट काउंट इज 0.25। और 1 MSD किसके बराबर आ रहा है, 0.5 mm, तो ये 0.25 MSD है ना। तो 1 MSD 0 MSD के साथ गैप था ना 0.25 का, तो 0.25 MSD आएगा, मल्टीप्लाई 0.5 mm, तो आंसर इज 0.125 आ जाएगा, ओके। तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, और एक तो ग्राफ प्लॉट करके हो रहा है, प्लॉटिंग करके, बट इससे हम सिंपल कैलकुलेशन समझ सकते हैं, जस्ट पहले और जस्ट बाद से सबट्रैक्ट कर करके आगे बढ़िए, ओके। थैंक यू।